फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भटूरा बनाना। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ 2 कटोरी मैदा, 1/2 चम्मच सोडा, 1 चम्मच नमक, 1/2 कटोरी रिफाइंड ऑयल और इसमें 1/2 कटोरी मैं रवा मिलाती हूँ। इसको मैं 1 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, तो ये फूल के 1 कटोरी हो गया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/2 कटोरी हम दही ऐड करते हैं। अगर आपका भटूरा ना फूलता हो तो इस तरह से आप बनाएंगे तो जरूर फूलेगा। और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना, मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो अपने आटे को बहुत टाइट मत रखिएगा, बहुत सॉफ्ट आटा गूंथना चाहिए, तभी आपका भटूरा अच्छे से फूलेगा। तो इस तरह से अपने आटे को गूंथ लीजिए। तो आटा मेरा गूंथ चुका है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल लगा के बाउल में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। इसको हम कवर करके रख देंगे। देखिए 1 घंटा हो चुका है, मेरा आटा सेट हो चुका है। तो इसके हम अब छोटी छोटी लोइयां काटेंगे और एक बार और अच्छे से गूंथ लेंगे। तो इसको ऐसे गोल गोल घुमा के लोई काटेंगे, इसमें क्रश नहीं रहना चाहिए। अगर क्रश दिखता है तो इस तरह से उसको अंदर कर दीजिए किनारे से, मोड़ मोड़ कर उसको बीच में कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा निकलता है उसको कट करके निकाल दीजिए। तो आपका भटूरा बहुत अच्छे से फूलेगा। तो इस तरह से अपने सारे लोइयों को बनाकर रख लीजिए। इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने देते हैं। इसके बाद हम रिफाइंड ऑयल लगा के भटूरे को बेल लेंगे। ध्यान रखिए बीच में थोड़ा मोटा होना चाहिए, किनारे पतला होना चाहिए। तो इस तरह से घुमा घुमा के भटूरे को बेल लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं भटूरे को तल रही हूँ। ध्यान रखिए आप भटूरे के ऊपर चिमचे से ऊपर ऑयल डालेंगे तो आपका भटूरा ज़रूर फूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।